हमारे आपके पास यहाँ पर एक नया टॉपिक लेकर फिर से कि सरल रेखाओं के बीच का कोण कैसे ज्ञात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं जब तक हम आगे जाकर मैथ्स पढ़ते रहेंगे, जब तक पढ़ेंगे तब तक ये फार्मूला काम आता है। सरल रेखाओं के बीच का कोण tan थीटा इज इक्वल टू ग्रेडियंट के फॉर्म में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 से दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस दिए गए हैं, सरल रेखाओं इतने x माइनस रूट 3y इक्वल टू 5 और y प्लस रूट 3x इक्वल टू 7 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एकदम सा सरल सा क्वेश्चन है, दो नंबर से ज्यादा में नहीं आता है, लेकिन हम फिर भी इसको आपको बता देते हैं कैसे बनेगा। तो सॉल्यूशन लिख लीजिएगा। सबसे पहली बात, जो भी रेखा का समीकरण दिया गया है, दी गई रेखाओं के समीकरणों को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में परिवर्तित करने पर, सबसे पहले आपको इनको क्या करना है, इस रूप में परिवर्तित कर देना है। परिवर्तित करने पर, तो इस रूप में जब हम परिवर्तित करेंगे तो ये x उधर चला जाएगा, या हम सीधा y इज इक्वल टू निकाल लें तो ये हो जाएगा रूट 3y इज इक्वल टू, यहाँ से पहले लाइन को ले रहा हूँ मैं, पहले लाइन को, ठीक है, रूट 3y इज इक्वल टू x माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ से y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3x माइनस 5 अपॉन रूट 3। ये हमारा कन्वर्ट हो गया लाइन 1, ये लाइन 1 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से लाइन 2 को निकालेंगे हम, तो यहाँ से आ जाएगा एंड लाइन 2 कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा, ये लाइन 1 है हमारा, ठीक है, लाइन 1 लाइन 2, लाइन 2 में हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस रूट 3x प्लस 7, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा लाइन 2। यहाँ पर लिखेंगे ग्रेडियंट ऑफ लाइन 1, आपको लिखना पड़ेगा ग्रेडियंट ऑफ लाइन 1। ग्रेडियंट ऑफ लाइन 1 कितना दिख रहा है आपको, 1 अपॉन रूट 3, और ग्रेडियंट ऑफ लाइन 2 वो कितना दिख रहा है, ग्रेडियंट ऑफ लाइन 2 वो कितना दिख रहा है, माइनस रूट 3। इस प्रकार से इसको हम m1 बोलेंगे, m1, इसको हम क्या बोलेंगे, m2। अब हम फार्मूला लिखेंगे, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, वी नो दैट एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स इज गिवन बाय फार्मूला tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। कई कई बुक में यहाँ पर मॉड लगा रहता है, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमेशा एक्यूट एंगल की काउंटिंग होती है 0 से 90 के बीच में, इसलिए हम यहाँ पर मॉड लगा देते हैं, ठीक है। तो चालू हो जाएगा यहाँ पर, अब हमारे पास कितना आ जाएगा, तो इस फार्मूले के हिसाब से हम यहाँ पर लिखेंगे m1 की जगह 1 अपॉन रूट 3 माइनस, फिर यहाँ पर माइनस रूट 3 ओके बाय 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 इंटू माइनस रूट 3, ऐसा लिख लीजिएगा आप। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन रूट 3, ऊपर वाला सिंप्लीफाई करने पर ऐसा आ जाएगा, और नीचे वाला जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट थ्री कैंसिल, 1 माइनस 1 आ जाएगा, कुल मिलाकर हमारे पास आया 4 अपॉन रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 0। अगर किसी भी संख्या को गणित में, अगर मैथमेटिक्स में किसी भी संख्या को अगर 0 से डिवाइड करें तो वो नॉट डिफाइंड कहलाता है, वो क्या कहलाता है, नॉट डिफाइंड। तो हम यहाँ पर लिख देंगे नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड जो होती है tan थीटा में किसकी वैल्यू होती है, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, क्या बोलते हैं इसको, अपरिभाषित, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड किसकी वैल्यू होती है tan में, तो हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू ये होता है tan 90। यहाँ पर हम कंपेयर करा देंगे इनको, कंपेयरिंग कराएंगे तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री। तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर यह चीज़ ध्यान देने वाली है कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करें मैथमेटिक्स में तो वो नॉट डिफाइंड कहलाता है, किसी किसी बुक में इसको सिंबॉलिक ऐसा लिख देता है इन्फिनिटी के रूप में। आजकल मॉडर्न मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा सुधार हो रहे हैं, तो बुक में अब आजकल ये इस प्रकार का साइन बनाना बंद कर दिया गया है, नॉट डिफाइंड लिखने के लिए बोला जा रहा है, नॉट डिफाइंड लिखने के लिए बोला जा रहा है,
लेकिन फिर भी अभी कुछ लोग ऐसा लिख देते हैं तो मान लिया जाता है कि वो यही कहना चाह रहे हैं कि वो नॉट डिफाइंड है और इस आधार पर उनके नंबर नहीं काटे जाते हैं, नंबर दे दिया जाता है, लेकिन उसमें सुधार हो रहा है। ठीक है, अब हम आ रहे हैं एक दूसरे प्रकार का क्वेश्चन लेकर, जिसमें संगामी तीन रेखाएं संगामी हो तो उसके अचर राशि का मान ज्ञात करना, यानी उसमें एक कोई कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है के का मान ज्ञात कीजिए यदि रेखाएं y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, पहली रेखा है, दूसरी रेखा y इज इक्वल टू टू टाइम्स एक्स प्लस वन, और y इज इक्वल टू ये तीसरी रेखा है के एक्स प्लस थ्री इक्वल टू के एक्स प्लस थ्री हो, संगामी है, संगामी है। तो हमको इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालना है k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि संगामी रेखाओं का डेफिनेशन क्या होता है, यदि दी हुई तीनों रेखाएं किसी एक बिंदु से होकर जाती हैं तो वे रेखाएं संगामी कहलाती हैं। वे रेखाएं क्या कहलाती हैं, संगामी, यानी ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ पूर्व के वीडियो में। तो यहाँ पर हम चालू करते हैं हल में आते हैं दी गई रेखाओं का समीकरण वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये पहली रेखा दी गई है हमारे पास, और इसी प्रकार से y इज इक्वल टू टू टाइम्स एक्स प्लस वन, ये हमारे पास नंबर टू दिया गया है। दोनों को सॉल्व करने पर लिखेंगे समीकरण एक व दो को हल करने पर, साइमल्टेनियस इक्वेशन के जैसे हल करते हैं इसको, बार बार मैं बोलता हूँ समीकरण को हल करने पर। तो हल करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और विलोपन। तो हम यहाँ पर आते हैं सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं, हम यहाँ पर y की जगह x प्लस वन यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वन इज इक्वल टू टू टाइम्स एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा y इक्वेशन टू। इक्वेशन टू में हमने इक्वेशन वन से वैल्यू डाल दिया, सिंप्लीफाई किया, x प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स प्लस टू, एक्स वाले एक तरफ ले लिए टू एक्स माइनस एक्स और वन माइनस टू, तो हमको मिला x इक्वल टू माइनस वन, x की वैल्यू हमको मिल गई x इज इक्वल टू माइनस वन। x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर वन में रख देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन वन, तो क्या हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस वन प्लस वन, यानी y की वैल्यू हो गई जीरो। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट p का कोऑर्डिनेट हमको मिल गया, p का कोऑर्डिनेट मिल गया माइनस वन जीरो। ठीक है, अतः रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक हमने निकाल लिए, प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक माइनस वन जीरो है। अब ये बोलता है कि अगर यह प्रतिच्छेद बिंदु, ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है P, वो अगर लाइन नंबर तीसरे पर है तो लाइन नंबर तीसरे के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो हम लिखेंगे यदि प्रतिच्छेद बिंदु रेखा तीन पर स्थित है, रेखा तीन पर स्थित है, दिया गया रेखाएं संगामी है ना, तो यदि प्रतिच्छेद बिंदु यहां पर लिखेंगे प्रतिच्छेद बिंदु रेखा तीन पर स्थित है, अतः बिंदु के निर्देशांक रेखा को संतुष्ट करेंगे, रेखा को क्या कर देंगे, संतुष्ट करेंगे, ये संतुष्ट कराएंगे अपन। संतुष्ट कराने का मतलब है कि x की जगह पर x लिखेंगे, x के कोऑर्डिनेट डालेंगे और y की जगह पर y के कोऑर्डिनेट डालेंगे इक्वेशन में। तो इक्वेशन नंबर लाइन नंबर थ्री हमारे पास है, y इज इक्वल टू कितना था के एक्स प्लस थ्री, इसमें y की जगह कितना रखना है जीरो, k x की जगह माइनस वन प्लस थ्री, तो यहाँ से हमारे पास आया k इक्वल टू थ्री, k की वैल्यू आ गई हमारे पास k इक्वल टू थ्री। इस प्रकार से हमको सवाल को बनाना रहता है, ये हमारा कंडीशन है, बनाने का तरीका है संगामी रेखाओं से अचर की मान को कैसे निकालते हैं। अब हम आपके पास लेकर आ रहे हैं सरल रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसी पर आधारित, जिसके बिना इसकी बात करना मायने नहीं रखती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हमेशा पूछा जाता है परीक्षाओं में, क्या कारण है इस प्रश्न को पूछा जाता है, ये प्रश्न मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे और समझिएगा कि इसको परीक्षा में क्यों पूछा जाता है, व्हाट इज द रीजन। एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 0, 2, 2-1, 4,
40 और 23 हैं। एक समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी, उसके शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसेस गिवन है पैरेललोग्राम के, इसके विकर्णों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। फाइंड द एंगल बिटवीन इट्स डायगोनल, इसके विकर्णों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम चालू करते हैं यहाँ पर हल। हमको क्या बोला गया है, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। इस प्रकार से आप एक समांतर चतुर्भुज बना लीजिए पैरेललोग्राम और इसका कोऑर्डिनेट लिख लीजिए ए बी सी डी। ए का कोऑर्डिनेट इसने दिया है कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 0 2। बी का कोऑर्डिनेट कितना लिखा हुआ है 2 - 1। सी का कोऑर्डिनेट कितना लिखा हुआ है 4 0 और डी का कोऑर्डिनेट इसने लिखा है 2 3। इस प्रकार से लिखा है, तो बोला जा रहा है कि इसके विकर्णों के बीच का कोण, तो यहाँ से यहाँ तक इसका एक विकर्ण हो जाएगा AC और यह दूसरा विकर्ण हो जाएगा BD। तो AC और BD के बीच का कोण हमको निकालना है, AC और BD के बीच का कोण हमको निकालना है। ये वाला एंगल या ये वाला एंगल या ये वाला एंगल या ये वाला एंगल हमको निकालना है, इनके बीच का एंगल निकालना है, विकर्णों के बीच का कोण, विकर्णों के बीच का कोण। तो कोई सा भी एक कोण निकाल लीजिए, ये बोल रहा है कोई सा भी एक कोण आप निकाल लीजिए। ठीक है, जब हम इसको निकालने के लिए आते हैं कोई सा भी एक कोण, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, कोई सा भी एक कोण हमको निकाल के देना है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर चालू करते हैं काम करने के लिए, तो हमारे पास आएगा, चालू करते हैं हम, सबसे पहले रेखा AC, दो बिंदुओं पर जाने वाली रेखा की प्रवणता हम जानते हैं, हमको क्लास 10th में पढ़ाया गया है, दो बिंदुओं, सूत्र मैं लिख रहा हूँ, दो बिंदुओं, ठीक है, x1 y1, दो बिंदु x1 y1 व x2 y2 से होकर जाने वाली, से होकर जाने वाली, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता अपन ने पढ़ा है, प्रवणता को m से दिया जाता है, फार्मूला होता है y2 - y1 / x2 - x1, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले से मैं AC की प्रवणता निकाल सकता हूँ, तो लिखते हैं अपन AC की प्रवणता, रेखा AC की प्रवणता क्या हो जाएगा आपके पास, m1 लिख दीजिए इसको, मान लीजिएगा कि ये m1 है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास y2 - y1 AC y2 - y1 / x2 - x1, इस प्रकार से हो जाएगा, कुल मिलाकर आया -1/2, दिस इज m1। इसी प्रकार से हम निकालेंगे दूसरी रेखा की प्रवणता, रेखा BD की प्रवणता, रेखा BD की प्रवणता मान लीजिएगा कि वो कितना है m2 है, तो m2 बराबर क्या हो जाएगा, फिर से आप बोलोगे वही, क्या बोलेंगे y2 - y1 / x2 - x1, x2 कितना दिख रहा है आपके पास 2 - 2, तो ये हो गया 4/0, यानी कि नॉट डिफाइंड, क्या लिख देंगे इसको नॉट डिफाइंड, इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं इसको नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये हो गया हमारे पास m2 का वैल्यू, ये हो गया m2 का वैल्यू, ये हो गया m1 का वैल्यू। अब हमको निकालना है दोनों के बीच का एंगल, तो हम आते हैं क्या लिखेंगे, सरल रेखा AC या विकर्ण, विकर्ण AC व BD के बीच का कोण, बीच का कोण, दोनों सरल रेखाएं, तो दोनों सरल रेखाओं के बीच का कोण tan थीटा से दिया जाएगा, फार्मूला हम जानते हैं m1 - m2 / m1 / 1 + m1 / m2 से गिवन किया जाता है, ये हमारा फार्मूला है। तो हम यहाँ पर इस फार्मूले को जब लगाने आते हैं, तो यहाँ पर जैसे ही मैं वैल्यू डालूंगा m2 का वैल्यू डालूंगा इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी में किसी भी चीज़ का वैल्यू डालोगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी इन्फिनिटी आ जाएगा और नीचे भी इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी मैथ्स की भाषा में इसको नॉट डिफाइंड बोला जाता है। तो हम यहाँ पर चालू करेंगे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की बजाय हम यहाँ से m2 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो m1 / m2 क्यों कॉमन निकाल रहे हैं, कॉमन निकालने का कारण है कि उसको नॉट डिफाइंड में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, वो डिफाइंड होना चाहिए। तो यहाँ से भी हमने निकाल लिया, तो 1 / क्या आ जाएगा यहाँ पर m2 + m1,
ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे, एम वन का वैल्यू कितना है आपके पास, माइनस वन अपॉन टू, यहाँ पे लिखेंगे माइनस वन अपॉन टू बाई इन्फिनिटी, माइनस वन अपॉन यहाँ पर वन अपॉन एम टू का वैल्यू, एम टू का वैल्यू नॉट डिफाइंड, और प्लस एम वन, एम वन कितना है माइनस वन अपॉन टू, इस प्रकार से लिखेंगे। किसी भी नंबर के नीचे में इन्फिनिटी हमने बताया था कि वो जीरो हो जाता है, तो जीरो माइनस वन, यहाँ पर भी जीरो माइनस वन अपॉन टू, तो कुल मिलाकर कितना आ गया ये टू, टेन थीटा इज इक्वल टू टू, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स टू, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमको बनाना होगा, इस प्रकार से हमको बनाना है।